अरे बहुत ही बेहतरीन, इतना एस्थेटिक है और इतनी कारीगरी जो है बहुत ही मतलब डेलिकेट और बारीक है, और जिस तरह से कारीगर और भारतीय कारीगरी को बढ़ावा मिलना चाहिए वो मिलता हुआ जब मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मोर पावर होनी चाहिए कारीगर के हाथ में, ताकि मतलब वो भारतीय संस्कृति और उसकी जो विधि लिखी है वो निभा सके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अच्छा काम दिखाने का, तो मेरे ख्याल से वो दिख रहा है यहाँ पर। चाइना जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और जो वही तो है ना, इनिशिएटिव से जोड़ने की भी कोशिश कर रहे, वो बिल्कुल वही तो कोशिश है। स्किल डेवलपमेंट जो है वो स्किल को बढ़ावा दे के ही वो स्किल डेवलपमेंट मिल सकती है ना, तो वो हिसाब है, वो अच्छी बात। इन दिनों फिल्मों का जो दौर है काफ़ी अच्छा रहा है, दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई जी और दोनों ने ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, आप कह रहे हैं सिनेमा का दौर है, मतलब सिनेमा का जमाना आ चुका है। मतलब मेरे बेटर हाफ मतलब मेरी पत्नी दीपा भाटिया ने रईस एडिट किया, तो मैं जानता हूँ कि उसको भी सक्सेस मिली है और काबिल को भी सक्सेस मिली है, अच्छी बात है ना। जितना बढ़ावा मिले उतना हम जैसे मिस्कीन मुसाफिरों के लिए अच्छा है, कुछ काम मिल जाएगा, बढ़ावा मिलेगा ऐसा। सिंगल थिएटर ऑनर्स जो है दंगल को लेकर काफ़ी खुश हुए हैं जी, खासतौर पर डीमोनेटाइजेशन के दौरान, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छा है, दंगल इतनी खूबसूरत फिल्म है और चाहे सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्सेस हो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहेंगे? मैं अभी स्निफ की शूटिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में। स्निफ बच्चों की फिल्म है, इट्स अ चाइल्ड डिटेक्टिव फिल्म, और उसके बाद सायना नेहवाल है तो लगे हुए हैं। सायना नेहवाल से बायोपिक, बायोपिक जी, सायना नेहवाल तो उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है। हाँ, उनके साथ तो आप पढ़ते नहीं शायद, सवा साल से लगा हुआ हूँ, चल रहा है अभी, स्क्रिप्ट जो है बनते बनते बन रही है, मतलब कंप्लीट हो रही है, हाँ फिर कास्टिंग करेंगे। तो प्री प्रोडक्शन भी आप स्टार्ट करेंगे? प्री प्रोडक्शन तो कास्टिंग के बाद करेंगे ना, अभी तो स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है।